नाराज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजनौर कलेक्टरेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। रिपोर्ट अमीन अहमद, बिजनौर। लखीमपुर खीरी में किसानों की निर्मम हत्या व प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजनौर कलेक्टरेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और बिजनौर प्रशासन को प्रियंका गांधी की रिहाई न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या की धमकी दी तथा जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। आपको बता दें, जनपद लखीमपुर खीरी में राज्य मंत्री के बेटे की कार के द्वारा एक्सीडेंट करके किसानों की हत्या कर दी गई थी तथा किसानों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। इसी से नाराज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने बिजनौर कलेक्टरेट परिसर में कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने नैतिकता के आधार पर राज्य मंत्री के बेटे को तत्काल गिरफ्तारी कराने की मांग की तथा राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने बताया कि यदि आरोपियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई व प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे तथा कई कार्यकर्ता आत्महत्या करने को लेकर विवश होंगे। फिलहाल कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरगढ़ पठान ने प्रियंका गांधी की रिहाई न होने से नाराज होकर आत्महत्या की चेतावनी दी है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। बाइट शेरबाज पठान, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। कारण ये है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को बंदी बना रहा है, तुरंत रिहा किया है। और हमारी मांग है कि जिस राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने मजलूम किसानों की हत्या की है, जिसमें पिता और पुत्र दोनों शामिल हैं, तो नैतिकता के आधार पर तुरंत तत्काल मोदी सरकार को चाहिए कि अपने राज्य मंत्री को बर्खास्त करें, उसे तुरंत तत्काल जेल भेजें और तुरंत तत्काल आदरणीय प्रियंका गांधी जी को रिहा करें। अगर मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम है, हमारा जो है जेल भरो आंदोलन है। और हमारे जो है तीन साथी ऐसे हैं जो अगर जल्द प्रियंका जी को रिहा ना किया गया तो बहुत जल्द आत्मदाह करेंगे, और जिसकी जिम्मेदार जो है वो जो है भारत सरकार और राज्य सरकार।